जी आया नो प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम दी 8th क्लास दी मैथ दी न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.3 ते इस एक्सरसाइज दे पहले दो क्वेश्चंस 1 एंड 2 असी इस वीडियो च करांगे। तुसी वीडियो नु बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। सॉल्यूशंस नु अपनी नोटबुक विच कॉपी डाउन कर लो और बाद विचों इन क्वेश्चंस नु बिना देखे अपने आप करन दी प्रैक्टिस भी जरूर करो। सो शुरू करिए। इसी चैनल पर प्यारे विद्यार्थियों तुहाडी 8th क्लास नाल जुड़ियां कुछ होर प्लेलिस्ट भी हैगियां, तुसीं ओह भी जरूर देखो। वो लिस्ट प्लेलिस्ट इस तरह हैगियां ने, एक हैगी है 8th मैथ नोट्स, फिर हैगी है 8th साइंस, फिर हैगी 8th इंग्लिश, फिर हैगी 8th ग्रामर, एक हैगी मैथ कॉन्सेप्ट्स, तो एक हैगी है मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। सो आ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की कहंदा, कहिंदे मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। सो बच्चों इन्होंने दो दो सानू वो दिते ने एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिन्हों विचों एक मोनोमियल हैगा तो एक बाइनोमियल हैगा, यह फर्क हैगा। पिछली एक्सरसाइज में वी लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल विद अ मोनोमियल, ये असं की कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विद अ बाइनोमियल। तो आ देखो किदा करना है बच्चों। सो पहला 4x इंटू एक्स प्लस वाई, तो बच्चे ब्रैकेट खोल लेंगे, 4x एक्स ना भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का निशान है बड़ा लग के 4x फिर वाई ना भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यह बन जाएगा 4x स्क्वेयर है बड़ा ते प्लस 4xy, ठीक है। फिर है बच्चों एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट पा के एक्स माइनस 3y है जोड़ा है, फिर असी एक्स स्क्वेयर एक्स न मल्टीप्लाई करा, माइनस का साइन लगावे वाला, तो फिर एक्स स्क्वेयर अगेन मल्टीप्लाई बाय 3y। सो यह बन जाएगा एक्स क्यूब, तो यह बन जाएगा 3x स्क्वेयर वाई, ठीक है। फिर आ गया 7xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, 7xy एक्स न मल्टीप्लाई होएगा इदा, प्लस फिर 7xy इतने लिखा वाई ना मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो यह बन जाएगा 7x स्क्वायर वाई, यह बन जाएगा 7x वाई स्क्वायर, देखो ठीक है ना। फिर अगला आ गया 4x ब्रैकेट पाके एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 4x मल्टीप्लाई करांगे एक्स स्क्वायर के नाल, यह माइनस साइन आएगा इतने, फिर लिखांगे 4x यह मल्टीप्लाई होगा 9x के नाल, 4 फिर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स क्यूब, सो 4x क्यूब यह माइनस इतने, तो 4 9 का 36, तो एक्स इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर 36x स्क्वायर। हुण बच्चों देखो 0 इंटू ए प्लस बी, असी जानते हैं 0 जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, असी इतों की फ्रॉम दिस स्टेप तुसी यू कैन स्ट्रेट वे राइट 0, इस तरह भी लिखोगे तभी कोई गल नहीं, पर जस्ट तुम समझाने लिए मैं बिच एक एक करके स्टेप करके लिख दिते हैं। 0 ए ना मल्टीप्लाई होएगा प्लस 0 बी ना मल्टीप्लाई होएगा। सो असी जानते हैं वैन यू मल्टीप्लाई 0 विद एनी नंबर यू गट 0, इतने 0 आ जाएगी, फिर 0 इंटू बी इज 0, सो 0 प्लस 0 इज 0। अगर तुम इधरों की इतना 0 लिख दो तभी आंसर ठीक मनाया जाएगा, ठीक है। अगला आ गया ए बी ब्रैकेट पा के ए बी प्लस बी सी, सो ए बी विल मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस ए बी विल मल्टीप्लाई बाय बी सी, सो ए बी इंटू ए बी बन जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो यह बन जाएगा ए, फिर बी इंटू बी बी स्क्वेयर, तो सी, सो प्लस ए बी स्क्वेयर सी, ए साडा आ गया आंसर। अगे चलिए हुण आ गया बच्चों कंप्लीट दी टेबल। सो बच्चों टेबल है जिहड़ा हिस्सा है यह थोड़ा छोटा है, तो नाले मैं चाहता सी कि मैं पूरे आंसर डायरैक्ट ना लिखा, तुहानू करके दिखावा। सो यह तुसीं अपने भर लेना इत्थे, ठीक है ना। तो मैं टेबल है जिहड़ा हैगा इहनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करना, इहदे कोल ट्राइनोमियल हैगा, दिस इज 1 2 3, यह मोनोमियल है यह ट्राइनोमियल है, इत्थे भी ट्राइनोमियल 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो इस क्वेश्चन में असं की कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल विद अ ट्राइनोमियल, जिस तरह बाइनोमियल में असं ब्रैकेट खोलते हैं इसी तरह ट्राइनोमियल के ब्रैकेट खोलेंगे। देखो सो पहले मोनोमियल में लिख लो, तो बाद ब्रैकेट पा के ट्राइनोमियल लिख लो, ठीक है। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट पा के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विद ए बी प्लस, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विद बी सी, इदा लिखांगे, फिर प्लस पा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विद सी है, ठीक है। हुण देखो बच्चों ए स्क्वायर है इतने एक एक्सट्रा हो रहा आ गया, तो बन जाएगा ए क्यूब, बी क्या हो रहा है तो बन जाएगा बी क्यूब, तो सी स्क्वायर कलर आ जाएगा, सो ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। हुण इतने देखो इतने बी और सी है, सो बी स्क्वायर इंटू बी बन जाएगा बी क्यूब, सी स्क्वायर सी बन जाएगा सी क्यूब, ए स्क्वायर कलर है, सो ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब। इतने देखो हम सी है और ए है, सो बी कुछ नहीं होएगा, ए ए क्यूब बन जाएगा, तो सी स्क्वेयर इंटू सी सी क्यूब बन जाएगा, सो बन जाएगा ए क्यूब
बी स्क्वेयर सी क्यूब। ठीक है, अगे चलिए। अगला आ गया बच्चों साडा 2xy विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो 2xy नू इस सारे दे नाल वारी वारी मल्टीप्लाई करांगे। सो 2xy इंटू एक्स जमा 2xy इंटू वाई जमा 2xy इंटू जेड। ठीक है जी, तो हम बच्चों इतने एक्स तो एक्स की बन जाएगा एक्स स्क्वायर, सो बन जाएगा 2x² y, y इंटू वाई की बन जाएगा वाई स्क्वायर, सो 2xy² ते इतने एक्स वाई जेड प्लस 2xyz। ठीक है, अगे चलिए। हम आ गया बच्चों 2p इंटू पी जमा क्यूब माइनस 2r, सो 2p इंटू पी प्लस 2p इंटू क्यूब, हूँ आ जाएगा माइनस, इतने माइनस है ना, सो माइनस 2p इंटू 2r, सो 2p इंटू पी बन जाएगा 2p² 2p क्यूब बन जाएगा 2p³ ते माइनस 2p इंटू 2r बन जाएगा 2 to the 4 4pr, सो माइनस 4pr। ठीक है, अब देखिए लास्ट पार्ट, हूँ लास्ट पार्ट है ए बी सी ब्रैकेट पाके बी प्लस सी माइनस ए, सो ए बी सी इंटू बी प्लस ए बी सी इंटू सी माइनस ए बी सी इंटू ए, सो ए बी सी इंटू बी कितना आ जाएगा बी इंटू बी बन जाएगा स्क्वायर, बी स्क्वायर बन जाएगा, सो ए बी स्क्वायर सी, ते प्लस ए बी सी है सो ए बी सी इंटू सी बन जाएगा सी स्क्वायर, सो प्लस ए बी सी स्क्वायर, ते माइनस ए इंटू ए बन जाएगा स्क्वायर, ते अगे आ जाएगा बी सी, सो माइनस ए स्क्वायर बी सी। सो ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों तुहाडी एक्सरसाइज 8.3 दे पहले 2 क्वेश्चन, तुसी इसी तरह नेम नाल उत्साह नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई रब राखा। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद।